मी व्हॉवेल्स ऑफ द पीपल असोसिएशन हा जो ग्रुप आहे यांना खूप मनापासून धन्यवाद देतो। बेसिकली हा जो ग्रुप आहे याच्यामध्ये खूप एनर्जेटिक, यंग आणि क्रिएटिव्ह असे यूथ आहेत। व्हॉवेल्स ऑफ द पीपल असोसिएशन से संबंधित सर्व लोकांना, स्पेशली याच्यामध्ये जो ऋतुजा प्रफुल्ल आणि त्यांचे सगळे सहकार्यांना, म्हणजे जेवढे त्यांचे सोबत काम करतात सर्वांना मी मनापासून आज शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। हेल्थ और एजुकेशन खास करके दो ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल जन्म होते के साथ ही इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए, और ख़ास करके एजुकेशन। हमें पता है कि कई लोगों के पास अच्छा टैलेंट होता है, स्किल्स होती है, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारी सिस्टम में एक फॉर्मल एजुकेशन का उसे बेस होना ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए शिक्षा और ये पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इससे हमें एक नई सोच मिलती है, हमें एक नई दिशा मिलती है। खास करके जब कोविड महामारी जैसा टाइम आता है कि जहाँ पे हमें कुछ नए सॉल्यूशंस चाहिए, उस वक्त हमें इस तरह के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ उनका अमल करना पड़ता है। तो उस हिसाब से एक ऐसी इनोवेटिव आइडिया आई थी वी स्कूल ऐप के ज़रिए। उसमें एक हमारा जो बेसिक इंटेंशन था ये था कि जो हमारे सामान्य घर से आने वाले सारे स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास शायद वो क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट किसी ऐप या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ लिंक हो, तो उन्हें डिजिटल एजुकेशन किस तरह से मुहैया किया जाए। तो उस हिसाब से हमने ये वी स्कूल का प्रोग्राम लिया। वी स्कूल की वोपा की टीम हमारे साथ थी, हमारे सारे जलगांव ज़िले के शिक्षक उसमें साथ थे, और उन्होंने सबने मिलकर जो एक सपोर्ट दिया, उससे हम एक अच्छा क्वालिटी डिजिटल कंटेंट बना सके, और वही कंटेंट आज हम यूज़ कर रहे हैं। केवल जलगांव ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के बाहर भी कई सारे ज़िलों में अपने ये वीडियोज़ आज लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसका अच्छा एजुकेशनल इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। मेरी नज़र में जो है राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ी मिसाल है। कॅमेरा सेटिंग पासून ते व्हिडिओ एडिटिंग पर्यंत आम्ही खूप काही शिकलो, आणि हे काम मी माझ्या शाळेतील शिक्षकांना सुद्धा शिकवलं। आज ते त्यांच्या वर्गासाठी व्हिडिओ निर्मिती करून आपल्या विद्यार्थ्यांना पाठवतात। एक शिक्षक ते तंत्रज्ञ शिक्षक हा प्रवास मला ओपानेच घडवला। ओपासोबत काम करण्यापूर्वी माझ्याकडे इंटरनेट, मोबाईल, लॅपटॉप या सर्व सुविधा उपलब्ध असून सुद्धा मी त्याचा पुरेपूर उपयोग करू शकत नव्हते, परंतु ओपासोबत काम करण्याची जणू काही एक सुवर्ण संधीच मिळाली, आणि एक वेळ घाबरणारी, अडखडत बोलणारी मी आज आपल्यासमोर आत्मविश्वासाने बोलू शकत आहे। आणि आज मी माझ्या वर्गासाठी पीपीटी, गुगल फॉर्म, वर्कशीट, प्रश्नपत्रिका या सर्व गोष्टी आत्मविश्वासाने करू शकते। याचा उपयोग मला भविष्यात नक्कीच होणार आहे। थँक्यू वोपा।